2019 दुई नोभेम्बर 9 तारिक नभेम्बर सुप्रीम कोर्ट मानवर को द्वारा एक राय आसिला जो राय परे पूरा देशवासी हिन्दू हिन्दू बा राम भक्त कहि परिया प्रत्येक देशवासी मनले एक खुसी र लहर उठिला समस्त एक प्रकार खुशी मध्य थिले परिप्रेक्षी रे आम पाखरे आज अछंती अनेक सामाजिक संगठन मध्य जो राम जन्मभूमि मन्दिर निर्माणपेक समाजिक आम सहित विश्व गरिदु

लाखों बलिदान हुए और जिन छिहत्तर लड़ाइयों का जिक्र किया जाता है उन सभी लड़ाइयों में यह ध्यान रखें पूरा देश शामिल था लोग कहते हैं ये अयोध्या का मामला लोकल इशू है ऐसा नहीं है राम इस देश के प्राण है राम इस देश की पहचान है कण कण में राम बसे हैं इसलिए पूरा देश राम मंदिर के निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा वो सपना साकार हो रहा है सतहत्तरवी लड़ाई हमारे हिस्से में आई और हमें कहते हुए गर्व का अनुभव होता है इस लड़ाई में हम विजयी बने और वो चार साल की लड़ाई अपने चरम शिखर पर पहुंची तब जब 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सभी सबूतों को ध्यान में रखकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा राम ने यहां जन्म लिया था और यही मंदिर बनना चाहिए मैं समझता हूं उन सारे संघर्षों को अंतिम परिणाम तक उस निर्णय के बाद पहुंचाने का अवसर आया बहुत ही एक सामाजिक संगठन है बहुत ही लोग भी हैं जो कि दान कर सकते थे राम मंदिर निर्माण के लिए लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने क्यों ऐसा सोचा घर घर जाकर राम मंदिर के लिए निधि इकट्ठा करने के लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उस समय सामने खड़ा हुआ केंद्र सरकार ने निर्देश निर्देश दिया केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्रस्ट बनाइए केंद्र सरकार ने भी सरकारी ट्रस्ट नहीं बनाया उन्होंने उन संतों और नेताओं को ट्रस्ट का प्रमुख बनाया जिन्होंने आंदोलन को यहां तक पहुंचाया दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ सामने पैसा सरकार दे क्या संतों ने विचार किया हम सरकार से एक पैसा भी नहीं लेंगे ये सरकारी मंदिर नहीं यह राम का मंदिर है जन जन का मंदिर है इसलिए सरकार का पैसा नहीं लगेगा जैसा सोमनाथ मंदिर में किया गया था दूसरा फिर कई उद्योगपति आए जिन्होंने कहा बजट बताइए हम पैसा देंगे हमने कहा नहीं आपका भी अकेले का पैसा नहीं चाहिए बिरला मंदिर बने हैं पूरे देश में मैं उनकी भक्ति और उनकी भावना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं उनका अभिनंदन है लेकिन दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर आज लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है किसी एक उद्योगपति के नाम तक राम मंदिर सीमित रह जाए ये संभव नहीं है हर व्यक्ति को लगे ये मेरा मंदिर है मैंने इसमें सहयोग दिया है इसलिए एक व्यापक जनसंपर्क अभियान इस निधि समर्पण के लिए किया गया जिसमें हर हिंदू का योगदान विश्व हिंदू परिषद ये जो अभियान आरंभ किया है आप तो सभी जानते हैं कि आप बहुत साल से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं तभी आंदोलन से लेकर आज तक ये जो संघर्ष का समय रहा आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है हमें गर्व का अनुभव हो रहा है इतने वर्षों की लड़ाई हमारे सामने पूरी हुई हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जिन्होंने इन बलिदानों को सार्थक होते हुए देखा है वो ढांचा हटते हुए नहीं अब हमारे सामने भव्य राम मंदिर बनने भी जा रहा है और हमको उसको उसके अंदर अपना सहयोग देने का सौभाग्य भगवान राम ने भगवान जगन्नाथ ने दिया है इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है इसलिए हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है और यह संपूर्ण देश में दिखाई दे रहा है केवल मैं नहीं हमने शुरू में सोचा था कि हम चार लाख गांव तक जाएंगे तीन लाख गांव तक पहुंचे थे शिला पूजन में हमने सोचा था ग्यारह करोड़ परिवारों को संपर्क करेंगे पचास करोड़ हिंदुओं को संपर्क करेंगे लेकिन प्रांत में संपूर्ण देश के अंदर इतना उत्साह हो गया है कि अब गांव की संख्या चार लाख नहीं अब यह सवा छः लाख के लगभग हो गए क्षमा करें छह लाख के लगभग हो गई है साढ़े लाख के लगभग गांव है पहले हमने 11 करोड़ परिवार सोचे थे अब इन परिवारों की संख्या बढ़कर साढ़े बारह करोड़ हो गई है हिंदुओं की संख्या अब 40 करोड़ नहीं जिन तक हम पहुंचेंगे उनकी संख्या बासठ करोड़ हो गई है और ऐसा लगता है आधे से ज्यादा हिंदू समाज गिलहरी के समान अपना योगदान देकर इस राम मंदिर में सहयोग देकर अपने जीवन को कृतार्थ समझेगी पूरा देश राम के साथ जुड़ेगा राम पूरे देश के साथ जुड़ेंगे जैन जी मैं आपको एक सीधा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी देश में विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन के रूप में जाना जाता है हिंदुत्व के नाम के आधार पर विश्व हिंदू परिषद काम भी करता है लेकिन देश में अभी जो चल रहा है लव जिहाद उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे लव जिहाद धर्मांतरण का सबसे विभत्स स्वरूप है यह अपमान है नारियों की अस्मिता का यह अपमान है हिंदू समाज का गैर मुस्लिम समाज का केवल हिंदू समाज का नहीं यह अपमान है मानवीय जीवन मूल्यों का संपूर्ण मानवता का और कोई भी सभ्य समाज इस लव जेहाद जैसे घृणित अभियान का हिस्सा बनता है यह उस समाज के लिए बहुत शर्म की बात है इस्लाम के अंदर महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है पूरी दुनिया जानती है जिस समय ट्रिपल तलाक का इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस समय इन्होंने ही तो एफिडेविट दिया था कि अगर हमको ट्रि ट्रिपल तलाक की अनुमति नहीं होगी तो हम इनको जान से मार देंगे इन्होंने ही तो एफिडेविट दिया था यदि बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी तो हम रखेल रखेंगे और गैर मुस्लिम महिलाओं को तो मालिक गनीमत समझते हैं उनका अधिकार है। इसलिए इस्लाम के आक्रमणकारियों ने पूरी दुनिया में जहां भी हमला किया दो चीज निशाने पर रही है वहां की महिलाएं और वहां के धर्मस्थल यही भारत में किया आजादी के बाद भी दृष्टिकोण में बदलाव नहीं है यह केवल जनसंख्या का आक्रमण नहीं है क्योंकि उनके लिए महिला केवल संख्या बढ़ाने का माध्यम है लेकिन वास्तव में ये केवल जनसंख्या बढ़ाने का नहीं ये धार्मिक आक्रमण है ये सांस्कृतिक आक्रमण है और धीरे धीरे संपूर्ण देश को दारुल इस्लाम बनाने का आक्रमण है अभी जो ये आक्रमण चल रहा है इसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने भी कहीं ऐसे आंदोलन भी किया है लेकिन अभी जो ये देश में एक सिलसिला जारी है एक प्रोपगंडा हम कह सकते हैं इसके पीछे कौन है आपको क्या लगता है ऐसा है कि इसको हम देश तक ही सीमित ना करके देखें आज पूरी दुनिया त्रस्त है ब्रिटेन में इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग कहते हैं जर्मनी में इसको रोमियो जेहाद कहते हैं बर्मा के अंदर आखिर रोहिंग्या इसको क्यों बाहर निकाला गया क्योंकि वहाँ शरणार्थी के तौर पर गए थे लेकिन जब बर्मा के मूल बौद्ध निवासियों की लड़कियों को उठाया जाने लगा लव जिहाद के नाम पर उनके भोलेपन का फायदा उठाया गया तो वहाँ के युवकों में आक्रोश आ गया और परिणाम सामने दिखाई दिया यही लंका में हुआ था बहन जी दस दिन की इंटरनल इमरजेंसी लगानी पड़ी वहां के सिंघलियों का गुस्सा ठंडा करने के लिए लव जिहाद के माध्यम से उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था वहाँ के लोगों का लद्दाख के अंदर भी यही हुआ इसका मतलब संपूर्ण विश्व के अंदर आज आक्रोश है क्योंकि कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे घर पर आने वाला मजदूर मेरे घर पर आने वाला एक पेंट करने वाला या मेरे बेटे का दोस्त या मेरी बेटी के सहेली का भाई वो अगर मुसलमान है वो इस दृष्टिकोण से घर पर आएगा कि वो वहां की बच्चियों को वहां की महिलाओं को टारगेट करेगा यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता इसलिए संपूर्ण देश में इस विषय को लेकर आक्रोश है पिछले दिनों केरल हाई कोर्ट के अंदर यह विषय गया था और विषय लेकर जाने वाला विश्व हिंदू परिषद नहीं था हिंदू भी नहीं था केरल हाई कोर्ट में यह विषय लेकर गया वहां का ईसाई समाज जिन्होंने कर्नाटक और केरल के अंदर पिछले तीन सालों के अंदर उस समय के तीन सालों में दस हजार से अधिक ईसाई लड़कियों को मुसलमानों के द्वारा भगाया गया लव जेहाद के नाम पर यह लव जेहाद शब्द हमारा नहीं है यह लव जेहाद शब्द भी केरल हाई कोर्ट का दिया हुआ है और जहां से मैंने शुरू किया था इट इज द मोस्ट हीनियस सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन यह शब्द भी केरल हाईकोर्ट का ही है आखिर क्या कारण है यह प्रश्न दूसरे कोर्ट ने पूछा कि दोनों शादियों में केवल लड़की ही मुसलमान क्यों बनती है लड़का हिंदू क्यों नहीं बनता दूसरा सवाल निकाह के बाद लड़कियां गायब क्यों हो जाती हैं कहीं मिलती नहीं है ट्रेस आउट नहीं होती है तीसरा इनको सपोर्ट कौन दे रहा है क्यों दे रहा है आखिरकार एक व्यक्ति ने जिसको पकड़ा गया था केरल के अंदर ही उसने टेस्टमनी दी है अपनी और उसमें गवाही में उसने कहा है मैंने दस हिंदू लड़कियों को भगाया है और एक लड़की का एक लाख रुपए मुझे मॉल भी नहीं दिया है पीएफआई की फंडिंग होती है इसके सबूत सामने आ रहे हैं यह आतंकवाद का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न खड़ा होता है इसलिए पूरा देश आज चिंतित है दूसरा एक बात और देखिए आप हिंदू लड़की को भगा कर ले जाएंगे लेकिन कोई हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती भी कर ले अरे दोस्ती नहीं होगी क्या साथ पढ़ते हुए अभियान नहीं होता लेकिन केवल दोस्ती हो रही है और उस दोस्ती के अंदर लड़के को जान से मार दिया जाता है दिल्ली के राहुल का उदाहरण कैसे भूल सकते हैं वल्लभगढ़ की निकिता को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने मुसलमान लड़के के साथ जाना इंकार कर दिया उसको जान से मार दिया सरेआम गोलियों से भून दिया मानवीयता नहीं है यह वहशीपन है यह दरिंदगी है जिसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और ये दरिंदगी किसी समाज सभ्य समाज का हिस्सा भी नहीं हो सकती ये प्रश्न चिन्ह है उनकी सभ्यता पर जी। अभी अभी हम जहाँ पर बैठे हैं आप इस जगन्नाथ धाम पर यहाँ पर एक जिला है जाजपुर जहाँ पे हाल ही में एक रिपोर्ट आया है एक घटना सामने आया है जो कि जाजपुर को यही लव जिहाद के बारे में उसके ऊपर सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं मैं सबसे पहले अपील करता हूँ उड़ीसा के समाज से मेरे बनवासी समाज की बच्चियाँ बहुत भोली हैं इनका टारगेट वही होता है पहाड़ी क्षेत्र आखिरकार कश्मीर की समस्या भी लव जेहाद से ही शुरू हुई थी पटनायक साहब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए हम उड़ीसा को कश्मीर नहीं बनने देना चाहेंगे आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद उड़ीसा में भी कदम पधार रहा पसार रहा है जहां एपीजे का अनुसंधान केंद्र था आज वहां बांग्लादेशियों की बस्ती बन रही है यह मत समझना कि वो बस्ती केवल और केवल शरणार्थी के रूप में रहने के लिए बन रही है शरणार्थी बनने के बाद क्या हाल होता है फ्रांस का उदाहरण देखकर समझ लीजिए उड़ीसा में धर्मांतरण विरोधी कानून बना हुआ है अधूरा कानून है यदि आप भगवान जगन्नाथ की इस धरती की संस्कृति को बचाना चाहते हैं मेरी सरकार से अपील है उस कानून में संशोधन करें वो कानून बहुत पुराना है नए नए तरीके उसके बाद ईसाई मिशनरी और मुल्ला मौलवी इन सब ने आजमाने शुरू कर दिए दिल्ली के शाहीन बाग जैसे ये आतंकवाद का ही एक नया तरीका है पूरी दिल्ली को आतंकित रखा था उन्होंने मुट्ठी भर लोग पूरे शहर को आतंकित रख सकते हैं एक प्रयोग दिल्ली में हो चुका है यहां नहीं होना चाहिए इसी तरह से वो निकिता जैसे हत्या हो गई ऐसी हत्याएं यहां पर नहीं होनी चाहिए मेरी भोली भाली बच्चियां उनके चंगुल का शिकार नहीं बननी चाहिए इसलिए जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसके अंदर लव जेहाद को रोकने के लिए भी कानून बनाइए जैसा मध्य प्रदेश में बना जैसा उत्तर प्रदेश में बना उनको फॉलो करके हिमाचल में बना आखिर जब दो धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं हम ध्यान करना यदि वो दोनों प्यार में हैं इसलिए कर रहे हैं हम उसका विरोध नहीं कर रहे लेकिन अगर उसमें जबरदस्ती है अगर उसमें धोखा है अपना हिंद नाम छिपाकर हिंदू बने हुए हैं जबरदस्ती उठाया गया है लालच दिया गया है वो सामने आना चाहिए इसलिए दो महीने का नोटिस ऐसे विवाह में देना चाहिए और अगर कोई चर्च अगर कोई मदरसा अगर कोई मस्जिद इसमें शामिल है तो उसकी धरती उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लेना चाहिए उनको चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए अभी जैसे आज ही एक एमपी पी में यानी मध्य प्रदेश में एक एक्ट आया है कैबिनेट में मंजूर भी वो किया गया है गृह मंत्री के हिसाब से कि जो भी ये लफ जिहाद में एक्ट आया है कि उसको दस वर्ष जेल और कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा वो लड़का हो या फिर लड़की उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत सी बहुत ही पहले इस एक्ट को लागू किया है आप ऐसा सोचते हैं कि हर एक प्रदेश में हर एक स्टेट में ये होना चाहिए हरेक राज्य में होना चाहिए अभी बीजेपी के राज्यों ने शुरू किया है लेकिन क्या बाकी प्रदेश की जनता को यह कानून प्राप्त करने का अधिकार नहीं है क्या उनकी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या वहां की सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वहां के समाज की बहन बेटियों की इज्जत बचाए उनको लव जिहाद का शिकार न बनने दे क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा जिस अभियान के माध्यम से हो रहा है उस अभियान पर रोक नहीं लगनी चाहिए इसलिए देर हो जाए घटनाएं यहां होनी शुरू हो चुकी हैं उससे पहले कानून बन जाए लेकिन मैं एक बात की चेतावनी भी देना चाहूँगा उड़ीसा का समाज भोला जरूर है बेवकूफ नहीं है जब वो जागता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये देश में कई जगह देखने को मिला है इसलिए वो स्थिति न बने उससे पहले ही कृपया कानून बना ले स्थिति बिगड़ने से बचा लीजिए अभी आप धर्मांतर धर्मांतरण की बात की है तो याद आया कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती भी इसी धरती से हैं और उनको हत्या कर दिया गया है अभी तक उसका कमीशन का जो रिपोर्ट आने वाला है उसको पब्लिक नहीं किया गया है उसके हिसाब से उसके ऊपर आप क्या कहेंगे स्वामी लक्ष्मणानंद जी केवल बनवासी समाज नहीं संपूर्ण उड़ीसा के सम्मानित संत थे और उड़ीसा ही नहीं संपूर्ण देश के थे प्रेरणा लेते थे लोग उनसे उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या ईसाई मिशनरियों के इशारे पर की गई ये देश का समाज कह रहा है ये यहां के मीडिया ने कहा और आपने ही तो कमीशन बनाया है फिर क्यों उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही हमारी मांग है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और इसकी जांच आगे होनी चाहिए इसकी जांच आप सौंपिए सीबीआई को जिससे इसके ऊपर न्याय हो सके और उनके हत्यारों को सजा मिल सके जी। आप विश्व हिंदू परिषद के एक धार्मिक संगठन भी हम कह सकते हैं तो फिर ये जो ट्रेंड चल रहा है लव जिहाद उसके ऊपर क्या विश्व हिंदू परिषद कुछ काम कर रहा है बहुत काम कर रहा है विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग युवकों के लिए बजरंग दल युवतियों के लिए दुर्गा वाहिनी ये सब मिलकर ऐसी बहनों को बचा रहे हैं और जो लड़की वहाँ से बचकर आती हैं उनको भविष्य में सेटल करना कई बार उनके घर वाले स्वीकार नहीं करते कई बार जबरदस्ती होने के कारण से उनके बच्चे भी हो जाते हैं तो पुनर्विवाह जहाँ संभव हो वहाँ पुनर्विवाह करवाते हैं सेटल कराना लगता है वो जरूरी है तो वो करवाते हैं और उनकी जिंदगी सुखी जिंदगी उनका भविष्य अच्छा भविष्य रहे इसका हम पूरा प्रयास करते हैं लेकिन समाज का एक और दौर शुरू हो गया है वो और ध्यान दिलाना चाहूंगा हरियाणा का मेवात मुस्लिम बहुल इलाका अस्सी प्रतिशत मुसलमान रोज हिंदू लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं अभी क्या परिणाम हुआ वहां पर एक बाल्मीकि समाज की लड़की को घर से चार मुस्लिम गुंडे उठाकर ले गए तुरंत गांव के लोग इकट्ठे हो गए और मुस्लिम समाज के तीन घरों से लड़कियों को उठा लाए आदर के साथ रखा दोनों तरफ से एफआईआर हुई लेकिन हिंदुओं ने थानेदार को कह दिया साफ लड़कियां सुरक्षित हैं हमारे घरों में बेटियों की तरह से रह रही हैं वहां उन्होंने क्या हाल किया होगा हमें नहीं मालूम उनकी संस्कृति जैसी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन जब तक हमारी लड़की नहीं आएगी हम इनको नहीं बेचेंगे ये दौर अगर शुरू हो गया तो बहुत खतरा पैदा हो जाएगा जी। ये पूरा एक सीधा सवाल मेरा है कि विश्व हिंदू परिषद अभी काम चल रहा है राम मंदिर निर्माण के ऊपर अभी लव जिहाद के ऊपर आप इतने बात किए तो पूरा उड़ीसा वासी को आप क्या अपील करना चाहेंगे लव जिहाद के बारे में और सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे उड़ीसा के समाज को तो मैं कहना ही चाहूंगा खबरदार हो जाए सावधान हो जाए पानी सर के ऊपर से गुजर जाए उससे पहले ही संभल लेना चाहिए जो समाज लव जिहाद पर विश्वास करता है वहाँ लव नहीं है ध्यान कर लेना वहाँ केवल और केवल जेहाद है आखिर जो हिंदू लड़कियों को फंसा कर ले जाते हैं क्या हाल होता है उनका या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या उनको वेश्यालय में बेच दिया जाता है या वो आत्महत्या पर विवश हो जाती है आपके पड़ोस में ही तो एक प्रदेश के अंदर एक लड़की ने पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या की थी सिर्फ इसीलिए कि मुसलमान ने भगाकर उसके ऊपर असीम अत्याचार किए थे सारे परिवार के लोग उसके साथ बलात्कार किया करते थे ऐसी स्थिति हमारी बेटी के साथ न बने इसके लिए मेरी अपील है आप सब लोगों से इन जेहादियों से अपनी बच्चियों को बचाइए और बच्चियों को बताइए सर्वधर्म संभाव के चक्कर में ना पड़ें कोई सर्वधर्म संभाव नहीं होता जहां जिहाद होगा वहां संभाव कैसा इसलिए आप अपनी बच्चियों को बचाएं और उनको बताएं कि आप इनके चंगुल में न फंसें अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है धर्म को बचाना अपनी इज्जत को बचाना परिवार की समाज की इज्जत को बचाना और सुरक्षा के मामले में देश को बचाना यह हमारी पहली जिम्मेदारी है और सरकार को मजबूर करें कि वो इस विषय पर कानून बनाए हम लोग पूरे देश भर के अंदर राम मंदिर के निर्माण के लिए इस समय निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहे बिना शबरी का बेर खाए राम सीता को नहीं ला सकते थे बिना केवट की नाव पर चढ़े बिना निषाद रात की दोस्ती किए राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी इसलिए मेरी अपील है उड़ीसा के सभी बनवासी समाज से शहरवासी समाज से ग्रामवासी समाज से सब बढ़ चढ़कर आगे आए राम ही जोड़ता है पूरे देश को जोड़ने का सामर्थ्य राम में है इसलिए आप सब लोग आगे बढ़ें इस राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग करें दस रुपये सौ रुपये हजार रुपये इससे ज़्यादा राशि देने वालों के लिए रसीद बुक ये सब व्यवस्थाएं की हैं चाहे दस रुपये दें लोग आगे बढ़कर पूरे देश में सामने आ रहे हैं हर गांव हर जंगल का सहयोग हो ये मेरी आप सबसे अपील है जैन जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे और हमारे साथ इतने आलोचना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी ये आम सहित जोड़ी जोडीह जैन जी जैनजी जि विश्व हिंदू परिषद र जुग्म साधारण संपादक सम्पादक ले जि आम राम जन्मभूमि आन्दोलन आरंभ रु बर्तमान राम न, न, मंदिर निर्माण पर्यन्त जो सङ्घर्ष र समय थाहा आमसे ले से आम सहित सीधा सिधासल आलोचना गर्ुले बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी को जे आम सहित लव जिहाद सहित राम मन्दिर निर्माणप अनेक आन्दोलन ए पूरावासी तापाई अपिल भुवनेश्वर क्यामेरा पर्सन आदित्य स्वप्नाञ्जली महान्तको रिपोर्ट अर्गस न्यूज